हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड हैं आपका अमेबा, साइकॉन और हाइड्रा पर। ये इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं ये आपके जीआईसी के सिलेबस में हैं, तो इसी को आज डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट सेक्शन में अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा बिलोंग्स टू सुपर क्लास। अमीबा किस सुपर क्लास से बिलोंग करता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्कोडिना। अमीबा जो है ये आपका सार्कोडिना से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, इट मूव्स एंड फीड्स विथ हेल्प ऑफ, यानी जो आपका अमीबा है ये किसके थ्रू मूव करता है या फीड करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अमीबा वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, अमीबा को फर्स्टली किसने डिस्क्राइब करा था? तो ये डिस्क्राइब करा था रोजेनहॉफ ने। राइट आंसर ऑप्शन 3, रोजेनहॉफ। नेक्स्ट है, लार्ज सीडोपोडिया विथ राउंडेड टिप्स आर कॉल्ड, तो जो लार्ज सीडोपोडिया होता है राउंडेड टिप्स वो आपका कहलाता है लोबोपोडिया। राइट आंसर ऑप्शन डी, लोबोपोडिया। नेक्स्ट है, यूराइड क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिंकल्ड रीजन एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है, सीडोपोडिया आर फाउंड इन अमीबा, तो सीडोपोडिया जो है ये अमीबा में कहाँ पाए जाते हैं? फॉर्म्ड इन अमीबा, क्या फॉर्म्ड करते हैं? तो ये आपका है बाय सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी सीडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है अमीबा में वो आपका जो सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी वजह से होता है, उसी की वजह से आपका अमीबा में इस टाइप के जो सीडोपोडिया का फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है। तो ये आपका सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से नए सीडोपोडिया बनते हैं और पुराने वाले वो बिगड़ते रहते हैं। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा इज एनालॉगस टू, जो कॉन्ट्रैक्टाइल है ये आपका है यूरिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ किडनी ऑफ फ्रॉग एंड मैन, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो आपका यूरिनिफेरस ट्यूबल्स के आपका एक प्रकार से एनालॉगस है। नेक्स्ट है, डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा टेक्स प्लेस इन, तो अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो होता है आपका फूड वैक्यूल में। राइट आंसर ऑप्शन बी, फूड वैक्यूल। नेक्स्ट है, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी ऑफ अमीबॉइड लोकोमोशन इज गिवन बाय, तो रोलिंग जो आपका मूवमेंट थ्योरी थी ये दी थी आपका जेनिंग्स ने। नेक्स्ट है, अमीबॉइड मूवमेंट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, अमीबॉइड मूवमेंट को बेस्ट एक्सप्लेन दिया गया है ये आपका सॉल जेल थ्योरी के द्वारा दिया गया है। अब आप कमेंट करके बताएं कि ये सॉल जेल थ्योरी जो है ये किसने प्रपोज्ड की थी, इसको आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, एक्टिव प्रे इज इंगल्फ्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो एक्टिव प्रे जो है इंगल्फ जो होता है वो होता है आपका सर्कमवेलेशन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्कमवेलेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, होलोजोइक आपका न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। नेक्स्ट है, सेल ड्रिंकिंग फिनोमेना इज टर्म्ड एज, तो इसको सेल ड्रिंकिंग फिनोमेना टर्म बोलते हैं आपका पिनेकोसाइटोसिस।
नेक्स्ट है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द वाटर कंटेनिंग अमीबा, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो क्या होगा, स्टॉप्स रोलिंग, स्टॉप्स मूविंग, विदड्रॉस सीटोपोडिया एंड डाई बिकम्स ग्लोबुलर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कंटेंट्स ऑफ फूड वैक्यूल इन अमीबा आर, तो फूड वैक्यूल में जो आपका कंटेंट्स होते हैं ये होते हैं आपका फर्स्ट एसिडिक देन बेसिक, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट एसिडिक देन बेसिक। नेक्स्ट है, इन अमीबा बाइनरी फ्यूजन ऑकर्स एज रिजल्ट ऑफ, तो बाइनरी फ्यूजन ऑकर्स होता है आपका माइटोसिस। राइट आंसर ऑप्शन बी माइटोसिस। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, जब टफ कंडीशन होती है अमीबा रिप्रोड्यूस, तो उस टाइम पर आपका अमीबा किस टाइप से रिप्रोड्यूस करता है, तो ये करता है आपका मल्टीपल फ्यूजन। राइट आंसर ऑप्शन डी मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट है, रिजुवेनेशन इज फिनोमेनन ऑफ, तो रिजुवेनेशन कौन सा फिनोमेनन है, राइट आंसर ऑप्शन सी टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू अमीबे। नेक्स्ट है, एंसिस्टमेंट इन अमीबा सर्व फॉर, तो एंसिस्टमेंट इन अमीबा सर्व फॉर, राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल द थ्री। नेक्स्ट आपका जो को है ये साइकॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें जो फर्स्ट है, साइकॉन एंड अन स्पंज बिलोंग्स टू कॉज क्लास, तो साइकॉन आपका बिलोंग करता है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलकेरिया, कैलकेरिया। नेक्स्ट है, बॉडी सरफेस ऑफ साइकॉन हैज स्पेयर लाइक स्पिक्यूल्स, तो ये कहलाते हैं आपके ऑक्सियोट्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कैनाल सिस्टम, अब कौन जो है कैनाल सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी थीसोसाइट्स। नेक्स्ट है, इन साइकॉनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम इन करेंट कैनाल्स आर कम्युनिकेटेड विथ द रेडियल कैनाल्स थ्रू, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोजोपाइल्स। नेक्स्ट है, रेडियल कैनाल्स आर, तो रेडियल कैनाल्स आर, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इवेजिनेशंस ऑफ बॉडी वॉल। नेक्स्ट है, स्पंजोसील इन साइकॉन इज लाइंड बाय, तो स्पंजोसील में जो आपका स्पंजोसील साइकॉन में जो स्पंजोसील होती है ये लाइंड होती है आपका स्पंजोसील, जिस स्पंजोसील कैविटी है ये आपका लाइंड होती है क्वाइनोसाइट्स के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए क्वाइनोसाइट, आउटर साइड में पिनेकोसाइट्स होती हैं और अंदर में आपका ये क्वाइन लाइक सेल्स होती हैं जिनमें फ्लैजिला होते हैं, तो क्वाइनोसाइट्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए क्वाइनोसाइट्स। नेक्स्ट है, डैश आर द टोटीपोटेंट सेल्स, अब कौन टोटीपोटेंट सेल्स है, आर्कियोसाइट्स। राइट आंसर ऑप्शन बी आर्कियोसाइट्स। नेक्स्ट है, इन स्पंजेस स्पिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय, तो स्पंजेस में आपका स्पिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं स्क्लेरोब्लास्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट है, फूड इज स्टोर्ड इन, तो फूड आपका स्टोर्ड होता है थीसोसाइट्स में। इन साइकॉन एक्शन ऑफ फूड वैक्यूल इज
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एसिडिक देन एल्कलाइन। नेक्स्ट है, इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन इज बाय, तो इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका बाय बडिंग। नेक्स्ट है, लार्वा फाउंड इन साइकॉन इज, साइकॉन में कौन सा आपका लार्वा पाया जाता है, तो ये होता है एम्फीब्लास्टुला। नेक्स्ट है, पोस्ट लार्वल स्टेज इन साइकॉन इज टर्म्ड एज, तो पोस्ट लार्वल जो स्टेज है वो है आपका ओलिंथस। नेक्स्ट है, ओलिंथस स्टेज रिजेंबल्स एस्कॉन स्पंज। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द स्पंज इज हार्मफुल टू द ओस्टर इंडस्ट्री, अब कौन सा जो है ओस्टर इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल है, ऑप्शन ए क्लायोना यानी बोरिंग स्पंज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीडेंट्री एज एडल्ट बट एक्टिव एज लार्वा, तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पंजेस। नेक्स्ट है, एनिमल नेचर ऑफ स्पंजेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इलियास। नेक्स्ट है, फाइलम सीडेंट्रेटा हैज रिमेन्ड एट, तो फाइलम सीडेंट्रेटा में आपका होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर ऑप्शन सी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, कोरल आइसलैंड विथ ए सेंट्रल शैलो लेक इज नोन एज, ये आपका कहलाता है एटॉल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोरल आइसलैंड विथ सेंट्रल शैलो लेक इज नोन एज एटॉल। नेक्स्ट है, पिनेकोसाइट्स आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ, तो पिनेकोसाइट्स आपका पाई जाती है किस में पाई जाती हैं, स्पंज में, पिन लाइक जो आउटर सेल्स होती हैं स्पंजेस में वो आपका पिनेकोसाइट्स कहलाती हैं, और अंदर जो कॉइन लाइक जिनमें फ्लैजिला होता है वो आपका कहलाती हैं क्वाइनोसाइट्स। तो ये थे कुछ आपके क्वेश्चन साइकॉन पे, अब बात करेंगे हाइड्रा की। हाइड्रा में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा इज, तो हाइड्रा क्या है, राइट आंसर ऑप्शन सी फ्रेश वाटर, रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट है, ग्रीन हाइड्रा क्लोरोहाइड्रा विरिडिस्मा इज ग्रीन बिकॉज ऑफ, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यू टू सिम्बायोसिस ऑफ ग्रीन एल्गी यानी आपका क्लोरेला वल्गैरिस। नेक्स्ट है, पॉइजनस फ्लूड प्रेजेंट इन नेमेटोसिस्ट इज, नेमेटोसिस्ट में जो आपका पॉइजनस फ्लूड प्रेजेंट होता है वो होता है आपका हिप्नोटॉक्सिन। नेक्स्ट है, डैस बियर्स बोथ फ्लैजिला एंड सीडोपोडिया, ये आपका होती है न्यूट्रिटिव सेल्स। नेक्स्ट है, मार्क द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट इन हाइड्रा, हाइड्रा के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इट हैज न्यूरोमस्कुलर सेंसरी सिस्टम, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाइड्रा कैन सडनली कॉन्ट्रैक्ट इट्स बॉडी, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्कुलो एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट है, नॉन सेलुलर लेयर ऑफ हाइड्रा इज, तो ये आपका होती है मीजोग्लिया। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेमेटोसिस्ट इन हाइड्रा आर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेनिट्रेंट। नेक्स्ट है, टेंटिकल्स आर, तो टेंटिकल्स आर आपके होते, टेंटिकल्स होते हैं आपके हॉलो। नेक्स्ट है, व्हाट स्ट्रक्चर इन हाइड्रा कॉरेस्पॉन्ड फंक्शनली टू द सीडोपोडिया ऑफ अमेबा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेंटिकल्स। पार्ट ऑफ नेमेटोब्लास्ट विच डज नॉट अलाउ द कैप्सूल ऑफ नेमेटोसिस्ट टू कम आउट इज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लासो। नेक्स्ट है, पेनिट्रेंट, वॉल्वेंट एंड ग्लूटिनेंट आर टाइप्स ऑफ, तो ये किस चीज़ का टाइप्स हैं, ये हैं आपका नेमेटोसिस्ट इन हाइड्रा। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर थ्रू विच माउथ ऑफ हाइड्रा ओपन्स इज, तो ये आपका कहलाता है हाइपोस्टोम। राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइपोस्टोम। नेक्स्ट है, मस्कुलो ग्लैंड सेल्स आर फाउंड इन हाइड्रा, तो मस्कुलो ग्लैंड सेल्स आर फाउंड इन हाइड्रा, राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑन द बेसल डिस्क। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा इज, तो कितने टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ये होते हैं आपके 6 to 10। नेक्स्ट है, हाइड्रा हैज़ नो स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर, हैज़ नो स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर, इसमें रिस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन हाइड्रा, तो ये आपका है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन आपका हाइड्रा में नहीं होता है। नेक्स्ट है, द केमिकल सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स एंड कॉजेज फूड टेकिंग रिएक्शन इन हाइड्रा, ये आ जाएगा आपका ग्लूटेथियन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूटेथियन याद रखिएगा। ग्रीन हाइड्रा इज, तो ग्रीन हाइड्रा क्या है, क्लोरेला, क्लोरोहाइड्रा वेरी डिस्मा। नेक्स्ट है, ए सीलेंट्रेट कॉमनली नोन एज फ्रेश वाटर पॉलिप इज, तो फ्रेश वाटर पॉलिप इसको कहते हैं हाइड्रा। नेक्स्ट है, न्यू हाइड्रा विल ग्रो अप बाय सेमी पार्ट ऑफ, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, डर्मल एपिथीलियम। नेक्स्ट है, इन हाइड्रा नेमेटोसिस्ट डू नॉट फंक्शन एज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है, द नेमेटोसिस्ट विच आर यूज्ड मेनली फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस और विच टाइटली कॉयल अराउंड द प्रे अपॉन डिस्चार्ज आर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पेनिट्रेंट एंड स्टेनोटेल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज एब्सेंट इन हाइड्रा, तो हाइड्रा में क्या एब्सेंट है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रा मेसोग्लिया सर्व एज, तो हाइड्रा मेसोग्लिया सर्व एज इलास्टिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है, मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ हाइड्रा, तो हाइड्रा का जो मोस्ट फेवरेट फूड है वो है आपका वाटर फ्लीज। लास्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस इन, तो ये एंडोडर्म सेल्स एंड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी दोनों में होता है, यानी बोथ ऑफ द अबव। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।